दिस क्वेश्चन इज फ्राम दिसंबर टू थाउजेंड इलेवन इसमें एल एक फंक्शन गिवेन है which is from R square to R square. Such that l of x comma y is equal to x and minus y. तो ये जो फंक्शन है वो बेसिकली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या तो ये इन्फॉर्मेशन यूज कर लो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है वो खुद होता है ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका डेरिवेटिव वो मैपिंग खुद होता है ठीक है तो एज अ लीनियर कर सकते हो अदरवाइज आप डायरेक्टली जो प्रॉपर्टीज है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं तो यहां ये एफ वन फंक्शन है और ये एफ टू फंक्शन है एफ वन एक पोलिनमल फंक्शन है एफ टू एक पॉलिमल फंक्शन है तो दिस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल क्योंकि पॉलीनोमियल फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि इट इज अ डिफरेंशियबल एवरीवेयर ट्रू हो गया सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है कि डी एफ डिफरेंशियबल ओनली एट जीरोबल ओनली एट जीरो हो गया थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि डी ऑफ एल जीरो जीरो डी ऑफ एल जीरो का मतलब क्या होगा ये वन जीरोन जीरो माइनस वन और डी एल जीरो जीरो जो है वो मैट्रिक्स है और एल ऑफ एक्स क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो एल क्या होगा मैट्रिक्स होगा तो डेफिनेटली cool अब नोटेशन कंफ्यूज कर सकते हैं आपको तो डी एल जीरो इज मैट्रिक्स और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एल को तो जो सी ऑप्शन है इट इज ट्रू डी ऑप्शन की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि डी एल एक्स वाई ये मैट्रिक्स आएगा और ये जो मैट्रिक्स होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एल को तो डी ऑप्शन ऑल्सो ट्रू तो आपका आंसर जो आएगा दैट शुड बी ए सी एंड डी ऑप्शन ट्रू क्लियर